Hi, I'm Gurbir Chaudhary. Hi, this is Divina and you are listening to me. और आप मुझे सुन रहे हैं मस्त आरजे माला के साथ. गुरमीत और दिवीना, सबसे पहले वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुरमीत, आपने रामायण सीरियल से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की और अब आप फिल्मी पर्दे पर भी अपना डेब्यू कर चुके हैं. कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफर? बहुत ही अच्छा रहा. जैसे आपने कहा कि शुरुआत रामायण से स्टार्ट किया, फिल्म में अब कदम रख चुका हूँ, तो शुरुआत बहुत ही अच्छी रही. लेकिन उतनी मेहनत भी रही है डेफिनेटली. बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के तो कुछ नहीं मिल सकता, खासकर हमारी इंडस्ट्री में तो जिसका कोई गॉडफादर नहीं है और कोई बैकग्राउंड फिल्म ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और मुझे मजा भी आता हार्डवर्क से. तो मुझे लगता है कि जितना कुछ भी हुआ है, माई लक, माई हार्डवर्क दोनों ने मिलकर बहुत ही स्ट्रांगली इसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँचे. गुरमीत, आप और देबीना हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों सेम इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जिसका मतलब है दोनों के सेम कमिटमेंट्स. तो जानना चाहेंगे आपसे कि घर के कामों में कौन एक दूसरे की ज्यादा मदद करता है या घर पर ज्यादा काम कौन करता है? मुझे लगता है कि लड़कियां सबसे ज्यादा काम करती है, नो डाउट. देबीना तो डेफिनेटली वो तो मतलब बाहर भी काम करती है और घर का भी काम करती है. मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कर लेते हैं. एंड मुझे बहुत रेस्पेक्ट है लड़कियों के लिए, सारी औरतों के लिए जो ये सब करते हैं. जो नहीं, मुझे लगता हर कोई टैलेंट मुझे लगता है लड़कियों में, जो बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम कर लेती हैं साथ साथ में. लेकिन लड़के क्या होते हैं, वो बाहर का काम करते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया. मैं भी यही सोचता था. मैं शूटिंग कर लिया तो मैंने बहुत बड़ी काम कर ली, मतलब और क्या, मुझे घर का कोई काम नहीं करना. लेकिन जब देबीना को देखता था कि वो बाहर भी शूट भी कर रही है और घर का भी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि यार मुझे भी साथ में रहना बहुत जरूरी है, उनके साथ कम से कम खड़ा भी रहूं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा रहेगा. देन एरियल आया एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया और उन्होंने ये फैक्ट बताया कि उन्होंने जो रिसर्च किया, 74% और 76% लड़कियां हैं वो हमेशा चाहती हैं कि शादी होते ही उनका जो पति है वो उनको साथ दे और कपड़े धोने में उनका सपोर्ट करे. इट्स वियर्ड बट दैट्स अ फैक्ट, यू नो, ये फैक्ट है. एंड मुझे लगता है यार कि अगर आपको अपनी जिंदगी खुश रखना है और आप, तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड तब ये कॉन्सेप्ट आया कि प्लेज लेने का, कि यू नो, शेयर द लोड. दुनिया के सामने प्लेज लिया है और कसम खाई है कि देबीना जब भी कपड़े धोएंगी, एटलीस्ट आज के टाइम इट्स नॉट रॉकेट साइंस की डिफिकल्ट है. आपको क्या लगता है देबीना, मतलब प्रोफेशनली आप इतनी सेटल्ड हैं, तो आपको क्या लगता है घर का सारा काम भी आप ही की जिम्मेदारी है या गुरमीत को भी या इन जनरल हस्बैंड्स को भी वर्किंग वाइफ्स की मदद करनी चाहिए घर के कामों में? तो मैं घर का और बाहर का दोनों का काम कर सकती हूँ. मुझे लगता है मैं नहीं, सारी औरतें कर सकती है. ऑल द वुमेन आर वेरी मल्टीटास्किंग. हम लोग फोन पे बात करते करते घर का भी काम कर सकते और बाहर का काम करते करते घर का ख्याल रख सकते कि सब कुछ हुआ है कि नहीं. तो वुमेन आर लाइक दैट, पर मेन आर नॉट दैट मल्टीटास्किंग. इट इज ऑलमोस्ट लाइक स्टैंडिंग बिसाइड द वुमेन एंड नॉट रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई मीन ऐसा नहीं कि पिकिया लेके घिस घिस के कपड़े धो रहे हैं एंड टाइप्स, बट इट इज द आइडिया टू बी विद द गर्ल एंड नॉट लेट द गर्ल डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स अलोन. तो मुझे लगता है ये जो थॉट अगर किसी के भी दिमाग में आए, तो वो थॉट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ टुगेदरनेस. यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. यू नीड टू थिंक टू जस्ट गिव द पर्सन कंपनी to do any household chores. That's all that matters. Television से लेकर फिल्मी दुनिया तक के सफर में देबीना ने आपको कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली हम लोग बहुत ही यंग थे, 17-18 साल के थे जब हम लोग मिले, और तभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे. बट हम दोनों ही मिडिल क्लास से थे तो कमाना भी था, और एक मैंने देबीना को प्रॉमिस किया कि जिस दिन खुद का घर, खुद की गाड़ी होगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा. एंड जब, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, इंडस्ट्री में बहुत काम किया, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, और तब हम दोनों ने 2011 में शादी कर ली. देबीना, आपने गुरमीत को बहुत सपोर्ट किया. अगर हम बात करें आपके पहले सीरियल की, तो रामायण से लेकर फिल्म खामोशियां, उसमें भी आपकी झलक दिखाई दी. कैसा रहा आपका ये सफर गुरमीत के साथ? हाँ, वहाँ पे भी एक स्पेशल सपोर्टिंग रोल में, तो सपोर्टिंग का काम मेरा यहाँ पे भी जारी रहा. इट हैज बीन फैंटास्टिक. तब भी जाके इतने साल बिता पाए हैं और मुझे लगता है कि जितने सालों का सफर, जितना टाइम स्पेंड हम लोगों ने साथ में बिताया, दैट इटसेल्फ सेज हाउ गुड और हाउ वेल द सफर वाज. गुरमीत, देबीना, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच माला.